मेरे पिताजी और मेरे भाई सभी लोग मिल के छोटू का जान लिए, इसमें कितना सच्चाई था? ये बात सच है कि आप लोग छोटू का जान लिए थे? जी नहीं, बेटी खुद इन पे आरोप लगा रही थी और चीख चीख कर कह रही थी कि मेरे पिता को जेल में डाला। ये कठिनाई हो गई थी कि ये केस पूरी तरह से एक तरफा बातें हो रही थी, एक तरफा मैनेज हो रहा था, इवेंट के यहाँ तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी मैनेज किया गया है। छोटू आरती का केस जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था, आरती का बात अब तक सबको ही सुन रहा था और हर लोग आरती के छोटू के परिवार के तरफ से कहीं ना कहीं उनके समर्थन में बोल रहा था और आरती के जो परिवार वाले थे उन पे तरह तरह का सभी लोग आरोप भी लगा रहे थे बिना उनके पक्ष जाने हुए। अभी आरती के पिताजी जो जेल से बाहर आ चुके हैं, अभी हम लोग सिमंदन भारती जी के चैम्बर में बैठे हुए थे, ये आए हुए। हम लोग चाह रहे हैं कि इनके बातों को भी दुनिया जाने, इनके बातों को भी लोग जाने। एक बेबस पिता हैं, बहुत मेहनत से पोस पालकर अपने बेटी को बड़ा किए और जब बेटी बड़ी हुई तो कहीं ना कहीं इनके इनके इज्जत को बाजार में सरेआम नीलाम कर दी। अभी ये जेल से बाहर आ चुके हैं, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। मेरा हालत तो ठीक नहीं है, मैं आर्थिक और शारीरिक स्थिति से मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। फिर भी अहम भूमिका निभाते हुए हमारे शिवनंदन बाबू वकील साहब अजय कुमार ठाकुर, लोअर कोर्ट के मोजाहिर बाबू आवास बाबू, बहुत अधिक परिश्रम करते हुए इन लोगों की सहानुभूति को देखते हुए मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा, एक बात बताइए पिताजी कि आप पे और आपके परिवार पे तरह तरह का आरोप आपकी बेटी ही खुद लगा रही थी कि मेरे पिताजी और मेरे भाई सभी लोग मिल के छोटू का जान लिए, इसमें कितना सच्चाई था? लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हम इस वीडियो को बनाना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी है कि ये बीच पब्लिक, ये मामला पूरा पब्लिक के बीच में भी, लोग इसको जानना चाहता है, देखना चाहता है। बेटी तो दूसरे के बहकावा में आकर करके अभी तो उनका उम्रे किया है, हाँ। कच्चा मिट्टी का घड़ा जो रहता है वो ठोट कर लगने पर टनक से फूट जाता है, लेकिन उसका तो बुद्धि अभी मजबूत नहीं है, जो पहला पढ़ा दिया वही उसी में बहल गया। क्या ये बात सच है कि आप लोग छोटू का जान लिए थे? जी नहीं, नहीं जी नहीं, ये पूरा साजिश रचा गया। साजिश रचा गया। देखिए, बेबस पिता है ये और अभी भी जो एक बेटी के प्रति जो प्रेम है वो इनके अंदर जिंदा है। हम इनसे ज़्यादा बात नहीं जानेंगे, ज़्यादा सवाल भी नहीं करेंगे, बस ये कहेंगे, पूछेंगे कि वैसी बेटियों को आप क्या कहिएगा जो बेटी इस तरह के तरीके से माँ बाप के इज्जत को और अपने घर घर के चौखट को लांग कर अपने माँ बाप की इज्जत को ही नीलाम कर देती है सरेआम बाजार में। ऐसे बेटी के लिए तो कहेंगे कि भगवान उनको सुबुद्धि दे कि ऐसी तरह का घटना ना करे। शिवनंदन भारती जी हमारे साथ हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है इनको जेल से बाहर निकालने में। हम इनसे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बात करने की स्थिति में है भी नहीं और हम इनसे सवाल पूछने के भी स्थिति में नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भावुक हैं और टूटे हुए हैं। सर, कितना मुश्किल हुआ इन लोगों को बाहर निकालने में, क्योंकि जितना सा आरोप था पूरा दुनिया इन्हीं लोगों को गलत समझ रहा था और बहुत सारा आरोप इन पे लगाया जा रहा था। इनकी बेटी खुद इन पे आरोप लगा रही थी और चीख चीख कर कह रही थी कि मेरे पिता को जेल में डाला। ये कठिनाई हो गई थी कि ये केस पूरी तरह से एक तरफा बातें हो रही थी, एक तरफा मैनेज हो रहा था, इवेंट के यहाँ तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी मैनेज किया गया, इसमें हर चीज़ को मैनिपुलेट किया गया और इनके यहाँ भगदड़ मच गई। ये लोग हादसा के बाद ही लोगों को जेल चले गए, इनके दादी जो बूढ़ी दादी है उन पर भी हमला हुआ, तोड़ फोड़ बहुत सारी बातें भी चीख रही चिल्लाती रही, कोई मददगार नहीं, जो लोग समझा कि जो मदद करने जाएगा वो मुकदमा में फंस जाएगा, बहुत सारे चीज़ें थी, परिस्थिति थी। लेकिन ओवरऑल ये कठिन केस था, लेकिन न्यायालय के समक्ष जो बातें हुई देर से ही सही, लेकिन इन लोगों को न्याय का जो प्रथम दरवाजा है, न्याय नहीं दिलवाया है, न्याय का प्रथम दरवाजा बेल हुआ है, ट्रायल बाकी है, उस सब चीज़ में हम लोग देखेंगे। सर, एक सवाल और है, ये पूछना जरूरी है, वैसी बेटी जो कहीं ना कहीं अपने बाप की दुश्मन बन गई, अपने भाई बहन भाभी सबका दुश्मन बन गई, क्या वैसी बेटियों पर कार्रवाई नहीं, वैसी लड़की पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? देखिए, कार्रवाई का बात जो कानूनी बात है वो कानूनी बात बहुत सोच समझ के किससे लड़िएगा, अपनों से लड़ना ज़्यादा कठिन है। इनके पिता को अपनों के द्वारा दिया गया जख्म है तो वो बहुत पीड़ादायक है, किसी को दिखा भी नहीं सकते हैं, कहते हैं कि जो पिंजरे के पंछी रहे तेरा दर्द ना जाने कोई, तो ये पिंजरे के पंछी, इनकी दर्द को कोई नहीं जान सकता। आप मीडिया हैं, चला रहे हैं, लोगों में चर्चा है, लेकिन उस पिता के दृष्टिकोण से देखिए ना कि उनके पिता के मन पर उनके ही बच्ची का, यदि पहले यदि किसी बेटी के बारे में यदि कोई बोलता है तो कहता है जुबान पकड़ के खींच लेंगे एक पिता कि खबरदार जो हमारी बेटी के खिलाफ कोई अपशब्द बोला, उस पिता की बेटी इस तरीके, और आज वही पिता को अपने ही पुत्री के बारे में यदि लोग तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं तो धन्य है वो पिता, कैसे उस चीज़ को झेल रहे हैं।
तो मैं तो बहुत मैं यदि भावुक हो जाता हूँ, यही संवेदना यही चीज था। देखिए बेटी कहीं ना कहीं दो परिवार को संभालने के साथ कह रहा हूँ कि ये लोग बहुत बेगुनाह थे, बेगुनाह हैं, और कितना भी वो लोग कोशिश कर ले, अब न्यायालय में इतने साक्ष्य हमारे पास हैं कि इनको बाइज्जत बरी कराने के लिए हमारे पास सारे मटेरियल हो गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हाईकोर्ट से इन लोगों को राहत मिलेगी, देर लगा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चीज़ था, लेकिन अंत अंत तक उसमें सफलता मिली। और अब जो है, चूँकि केस झूठा है, झूठ को साबित करना उसके लिए कठिन होगा, और इन लोगों को जो है अब आगे की जो लड़ाई है ट्रायल में, उसके लिए हम लोगों की रणनीति बनेगी और तब हम उसमें देखेंगे, ज़्यादा इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं। चलिए लास्ट में हम एक सवाल बस इनसे कहेंगे कि अभी भी आरती चीख चीख कर कह रही थी कि मेरे जान को खतरा है, और आप ही लोगों पे वो तरह तरह का आरोप लगा रही है। वो तो साजिश की तरह कर रही है। हाँ। वो अपने मुंह से नहीं बोल रही है, अपने मुंह से नहीं कर रही है, दूसरों के बहकावे, दूसरों के बहकावे। चलिए, उनके पिताजी थे, आरती के पिताजी थे, अब जेल से बाहर आ गए। धन्य है ऐसे वकील हमारे समाज में, जो दोषी होता है उसको बचाने के लिए हजारों लोग खड़ा होते हैं, लेकिन जो निर्दोष होता है उसका बात तक सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। इनका पक्ष जानने का हम लोग प्रयास कर रहे थे और बहुत सवाल है, लेकिन हम इनसे सवाल पूछने नहीं पूछ पा रहे, क्योंकि ये बहुत भावुक है और इनके दर्द को देखकर हमसे भी कुछ पूछा नहीं जा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।